नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधरी के वीडियो में आज हम उस हलके की बात करेंगे जो चौधरी धीरपाल सिंह जी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। और 2014 में जब ओम प्रकाश धनखड़ जी यहां से जीते तो फिर यह हलका एक बार फिर से चर्चा में आया। 1977 में वजूद आई बादली विधानसभा के लिए अभी तक 10 चुनाव हुए हैं और पहली बार यहां से चौधरी हरिद्वार लाल चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद बादली एक तरीके से चौधरी धीरपाल सिंह की होकर रह गई। 1978 में यहां उपचुनाव हुआ था और इसमें जनता पार्टी के उदय सिंह दलाल ने आज़ाद उम्मीदवार प्रताप सिंह चिकारा को हराया था। इसके बाद 1982 में चौधरी धीरपाल जी ने चौधरी मनफुल सिंह को हराया और चौधरी धीरपाल सिंह ने 1982 के बाद 1987 में, 1991 में, 96 में और 2000 के चुनाव में यहां से जीत दर्ज की। और खास बात यह है कि इन पांचों जीत में चार बार तो उनके सामने हारने वाले जो प्रत्याशी थे वो चौधरी मनफुल सिंह थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। 2000 के चुनाव में उनके ही शिष्य नरेश प्रधान उनके सामने हारे थे। और एक तरीके से देखें तो बादली हलके का पूरा इतिहास चौधरी धीरपाल के इर्द गिर्द ही घूमता है। बादली के रहने वाले चौधरी धीरपाल सिंह पॉलिटिकल साइंस में एमए थे और बीएड भी उन्होंने कर रखी थी। जवानी में वो कबड्डी खेला करते थे। उनकी चार बेटियां थी। वो एक बार हरियाणा लोकदल के अध्यक्ष भी बने थे, दो बार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रोहतक के डायरेक्टर भी वो बने। धर्म उनका पसंदीदा विषय था और धार्मिक किताबें पढ़ने और सत्संग में जाने का समय वो राजनीति में रहते हुए भी निकाल लिया करते थे। चौधरी धीरपाल सिंह जब तक राजनीति में रहे उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। खराब सेहत के चलते उन्होंने 2005 का चुनाव नहीं लड़ा और 2014 के चुनाव से पहले उनका निधन हो गया। 2005 और 2009 में नरेश शर्मा ने यहाँ निर्दलीय और फिर इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की और चतर सिंह और विजेंद्र सिंह चाहर, जो मनफुल सिंह जी के बेटे हैं, उनको हराया। मोदी लहर में 2014 की विजय जो थी वो भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ जी के सिर पर रही। वो हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री बने और निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप वत्स को उन्होंने हराया था। कांग्रेस के नरेश शर्मा चौथे पायदान पर रहे थे। बादली से चौधरी धीरपाल और ओम प्रकाश धनखड़ मंत्री रहे हैं। तमाम जिंदगी देवीलाल जी और चौटाला जी के भरोसेमंद सिपाही रहे चौधरी धीरपाल सिंह 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी हो गए थे। 2019 में ओम प्रकाश धनखड़ जी कांग्रेस के कुलदीप वत्स से यहाँ से चुनाव हार गए। और अब सामने है दोस्तों 2024। बादली बहुत ही क्रुशियल हलका है। क्या आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि 2024 में बादली हलका किसका साथ देने वाला है और यहाँ से अगला विधायक कौन हो सकता है? शुक्रिया, नमस्कार।